राजधानी रांची के पुराना विधानसभा स्थित विधायक क्लब सभागार में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता जनता यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने की। बैठक में आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग विषय पर उपस्थित प्रदेश स्तरीय जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन और विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। हमारी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार पहल करती है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में हमारी पार्टी चुनाव में जाएगी। वहीं अपने नए एनडीए घटक दल के साथ आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग के विषय पर 3-4 लोकसभा सीट के लिए बैठक में तय कर लिया जाएगा और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। कार्य समिति की बैठक रखी गई है और ऐसे भी भारत बंद है आह्वान, उसमें बहुत लोग मेरे कार्यकर्ता या कुछ नेता भी नहीं आ सके हैं। ये भ्रम नहीं हो जाता है कि बंदी है, जाएंगे कहीं जाम रहेगा क्या रहेगा, लेकिन फिर भी पूरा बहुमत में लोग आए हैं सब और कार्यक्रम चल रहा है। जदयू ऐसे जनता दल यूनाइटेड संगठन को मजबूती के तौर पर शुरू से काम करते रहा, आज भी हम लोग कर रहे हैं और अभी तो हम लोग इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। अब एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग काम करेंगे और क्षेत्र में भी हम लोग काम करते रहे, कहीं कोई मेरा कार्यकर्ता नेता कमज़ोर नहीं, उत्साहित और हो गए हैं कि हम लोग अब एक साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में हम लोग काम करेंगे और आगे आने वाले विधानसभा लोकसभा में भी हम लड़ेंगे। अभी तो हम लोग ऐसे बैठक कर रहे हैं, अभी लोग अपनी तरफ से सब लोग अपने बयान दे रहे हैं कि यहाँ से लड़ा जाए यहाँ से लड़ा जाए, फिर भी हम लोग 3-4 सीटों के लिए हम लोग ऐसे आज ऐसे तय कर लेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग ऐसे प्रस्ताव की कॉपी देंगे कार्य समिति की बैठक करके और उस पर ऐसे विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उसी सीट पर हम लोग उसी 19 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। अब सब बताते हैं पहले एकदम आने की संभावना उनकी है। बात हम लोग किया, बोले कि ये एनडीए गठबंधन के चक्कर में थोड़ा सा नहीं जा सके हम, लेकिन आएंगे उन्होंने कहा है।